समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अमरेंद्र निषाद को 44 दिन बाद अपनी पार्टी याद आई और घर वापसी करते हुए शनिवार को जब पार्टी कार्यालय पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव के नेतृत्व में अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अमरेंद्र निषाद का माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया। रामभुवन निषाद ने स्वागत करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुनियादी सुविधाओं, सड़क पुल सहित दवाई और इलाज का इंतजाम पिछली समाजवादी सरकार में बेहतर हुआ था। अमरेंद्र निषाद ने कहा कि हम कुछ निजी कारणों से यहां से गए थे, समाजवादी पार्टी के प्यार और स्नेह को पुनः याद करके और स्वर्गीय पिताजी के वचनों को याद करते हुए उन्हें अपने पुराने घर समाजवादी पार्टी में आकर गठबंधन को मजबूत करके गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल की सभी सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों को मदद करने का काम करेंगे। इस अवसर पर जवाहरलाल मौर, रामभुवाल निषाद, संतोष यादव सनी, अवधेश यादव, रजनीश यादव, श्यामदेव निषाद, रामजन यादव, रामजतन यादव, दयानंद विद्रोही, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, जवाहर यादव, राघवेंद्र तिवारी, अली हुसैन, सुशीला भारती, उर्मिला देवी, नमिता सिंह, बिंदा सैनी, कपिल मुनि सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अमरेंद्र निषाद और सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, भाई अमरेंद्र निषाद जी जो कि प्राय विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, आज पार्टी कार्यालय पर प्रथम आगमन हुआ है। उनका नाम प्रत्याशी माननीय रामभुवन निषाद जी, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, आप सभी सम्मानित उपस्थित, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूँ। बारी बारी से हम आपका सम्मान करते हैं और कभी भी आपके पिता नहीं है, वो हम लोगों के सीनियर भाई थे, नहीं है तो हमारा प्रयास रहेगा कि वो चीज आपको कमी नहीं महसूस होगी। हम आपसे करना चाहते हैं और हम जो समाज के लिए काम किए हैं, क्या किए हैं, मुझे चौराहों पर तो कुछ लोगों के द्वारा गालियां सुनना पड़ता है, लेकिन समाज आज उस चीज को याद कर रहा है कि ये मजबूत नेता है, इसे हम इसे हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है। तो हमारे समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के जो चुनाव में लगे हैं उनको क्षेत्र में बल मिलना है। देखिए, इसमें किसी के बहकावे की बात नहीं है, हम कुछ निजी कारणों से यहाँ से गए थे और भारतीय जनता पार्टी में जैसे होता है कहावत की दूर के ढोल बहुत सुहाने लगते हैं, हमें बड़े सुहाने लग रहे थे दूर के ढोल। और जब मैं वहां गया तो देखा कि भारतीय जनता पार्टी में हम पिछड़ों का कहीं से कोई सम्मान नहीं है, पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में पिछड़ा अगड़ा सबका एक बराबर सम्मान किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में कहीं ऐसा नहीं था। समाजवादी पार्टी में हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी का एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर सकता है और मिल सकता है जब चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष छोड़ दीजिए, प्रदेश लेवल के उनके कार्यकर्ताओं से मिलना नामुमकिन हो जाता है भारतीय जनता पार्टी, हमने 44 दिन में देखा। इसलिए अपना तो अपना होता है, इसी विचारधारा से समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी के प्यार और स्नेह को पुनः याद करके और स्वर्गीय पिताजी के वचनों को याद करते हुए पुनः अपने पुराने घर समाजवादी पार्टी में आकर गठबंधन को मजबूत करके गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल के सभी सीटों पर गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को
मदद करने का काम करेंगे और गोरखपुर से खास करके अपने उद्वार हम सबके नेता माननीय रामभुवाल निषाद जी को लाखों वोटों से जिताने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। बहुत जिस तरह से सदर सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद अपनी पार्टी छोड़ के चले गए हैं बीजेपी में, तो उन मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए किस तरह का प्रयास करेंगे? देखिए आज के डेट में उनके पास कोई नहीं है, उनकी जो पार्टी थी उनके पिताजी की, क्योंकि आज वो उस पार्टी के सदस्य नहीं रहे, उनकी पिताजी की जो पार्टी थी उसके जो वर्कर थे आज कहीं ना कहीं वो गठबंधन की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। हर जिलों में मैं देख रहा हूँ और बड़ी तेजी से गठबंधन से जुड़ रहे हैं, गठबंधन को बड़ी जीत मिलेगी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि अमरेंद्र निषाद जी का परिवार समाजवादी परिवार रहा है, अमरेंद्र निषाद जी किसी मामले को लेकर के नाराज हुए और मैं समझता हूं कि हम लोगों से कभी कटे नहीं थे, ये उस दल में गए तभी हमसे टेलीफोन से बात होती रहती थी, इनके अच्छे भविष्य की हम लोगों को चिंता है और हम लोग गोरखपुर में अभी तक सर्वाधिक अगर टिकट निषादों को देकर के किसी ने बढ़ाया है तो समाजवादी पार्टी ने, स्वर्गीय इनके पिताजी जमुना निषाद जी को समाजवादी पार्टी ने कई बार लड़ाया, लोकसभा विधानसभा नेता बनाया, इनकी माताजी को विधानसभा में भेजा दो दो बार, इन्हें विधानसभा का टिकट मिला, रामभुवाल निषाद जी को लोकसभा विधानसभा का टिकट मिला, मंत्री बनाया गया और प्रवीण निषाद तक को समाजवादियों ने ही बनाकर भेजा था। भाजपाइयों ने तो हमेशा निषादों को हराने के लिए सारा कुचक्र रचा है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी इन निषाद भाइयों का, पिछड़े भाइयों का और दलितों का, अल्पसंख्यकों का, सारे लोगों का घर है और अपने घर से बिछड़ करके किसी को अच्छा नहीं लगता है, न इनको अच्छा लग रहा था न हमें अच्छा लग रहा था। ये आए हम इनका स्वागत करते हैं, इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के नेता हैं, इनके भविष्य की चिंता उनको है, इनका भविष्य वो बनाएंगे, राजनीतिक जिम्मेवारी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझते हैं और उन्होंने इनको आशीर्वाद दे करके भेजा है कि जा करके पार्टी के लिए काम करिए, ये पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी को जिताने का काम करेंगे और ये पुनः वापस आए हैं, इनको हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। अपने उन साथियों को भी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई रजनीश यादव जी ने भी इसमें काफ़ी कुछ इनसे वार्ता करी है, तो सारे लोगों ने वार्ता करके जिस तरीके से इनको बताया कि आपका वहाँ रहना उचित नहीं है और इन्होंने भी समझा कि हम गलत जगह आ गए हैं, ये वो अपने घर में वापस आ गए हैं, बहुत बहुत बधाई।